हेलो एंड वेलकम बैक, मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स में, जहां अमेरिका में इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन डिमांड। डिमांड में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, उसके क्या क्या कारण होते हैं वो पढ़ेंगे, और इसमें हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड को पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम सबसे पहले चेंज के बारे में पढ़ते हैं कि चेंज होता क्या। चेंज का मतलब क्या है कि आपका जो डिमांड कर्व बनता है वो डिमांड कर्व डीडी या तो आगे की तरफ जा रहा है, या तो वो ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है, या पीछे की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया कि वो किसी ना किसी पोजीशन पे खुद को बदल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पे। एक्चुअली हमारे पास चेंज दो प्रकार के होते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है ये पर्टिकुलरली प्राइस के कारण चेंज होता है, मतलब प्राइस ही इसका मेन फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है। ठीक है, और चेंज इन डिमांड में अदर फैक्टर्स काम करते हैं। अदर फैक्टर्स का मतलब वो सारे फैक्टर्स जिसके द्वारा हम डिमांड को चेंज कर सकते हैं, बट प्राइस इसमें कांस्टेंट रहेगा और इसमें अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसको लॉ ऑफ डिमांड के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है कि प्राइस अगर चेंज करेगा तो डिमांड चेंज करेगा, अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। बट इसमें चेंज इन डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के दो पॉइंट्स पे आ जाते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहा जाता है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब ये एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसको हम डाउनवर्ड मूवमेंट भी कहेंगे। ठीक है, और उसी जगह पे कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड सेकेंड पॉइंट जो है वो अपवर्ड मूवमेंट कहलाता है। इसमें कॉन्ट्रेक्शन मतलब ये सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं चेंज इन डिमांड पे। चेंज इन डिमांड पे इंक्रीज इन डिमांड होता है, मतलब डिमांड का बढ़ जाना, या इसको राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं कि ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्लियर, और डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, मतलब डिमांड कम हो जा रही है और वो पीछे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो हम एक एक पॉइंट को ग्राफिकली और टेबुलर फॉर्मेट में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ये चारों के चारों पॉइंट क्लियर हो जाए। चलिए अब हम सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को पढ़ते हैं और उसके बाद हम इसके एक एक पॉइंट पे। देखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दोनों में से किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है मूवमेंट या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में, एक्सटेंशन, एक्सपेंशन या डाउनवर्ड मूवमेंट, ये तीनों एक ही पॉइंट के नाम है। एक्सटेंशन, एक्सपेंशन और डाउनवर्ड, मतलब एक्सपेंड हो जाना, बढ़ जाना डिमांड का। अब ये किस कारण से हो रहा है, ये प्राइस के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे चेंजिंग फैक्टर क्या है, प्राइस। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो प्राइस पहले 100 रुपीज थी और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 5 की। जैसे ही प्राइस डाउनफॉल कर जाती है, 70 हो जाती है, मतलब 30 कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी आपकी बढ़ जाती है, मतलब डिमांड बढ़ जाती है। और ये प्राइस जैसे और कम होती है, डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे ग्राफ के द्वारा देखते हैं। अब अगर मैं ग्राफ में देखूं तो जब मेरे पास 100 रुपए की प्राइस थी तब मेरी डिमांड 5 की हो रही थी। जैसे ही प्राइस फॉल कर जाती है, इसका मतलब 100 से 100 पे आ जाते हैं, तो इसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे ही आप 70-30 पे आते हैं, मतलब प्राइस और कम कर देते हैं, तो डिमांड आपकी और बढ़ जाती है। और आपका जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, ए पॉइंट था, जहां पे आपने अपने प्रोडक्ट की डिमांड को 100 रुपीज पे 5 की थी, वो अचानक से गिर जाती है बी पे। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो गई थी। और फर्दर प्राइस और जब कम हो जाती है तो आपकी डिमांड और बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली आप क्या हो रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ आप गिरते जा रहे हैं, ए से बी, बी से सी। तो सी पॉइंट पे जब आप ए से सी पे आए तो आपने क्या किया, डाउनवर्ड हो गए, नीचे की तरफ खिसकते रहे। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे क्या बताया गया, व्हेन डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब फॉल इन ओन प्राइस, खुद के ही प्राइस जब कम हो जाते हैं तब एक्सटेंशन, एक्सपेंशन या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, दूसरा ये फॉलो करता है लॉ ऑफ डिमांड को, लॉ ऑफ डिमांड इसमें पूरी तरह से काम करता है। और ये डाउनवर्ड मूवमेंट होता है जो हमने यहाँ पे देख लिया कि डाउनवर्ड नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, आप ए से पहले बी की तरफ जा रहे हो और प्राइस कम होने पर आप सी की तरफ जा रहे हो। ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व के सेकंड पॉइंट है, कॉन्ट्रेक्शन या अपवर्ड मूवमेंट, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अगर हम इस कंडीशन पे आते हैं तो कॉन्ट्रेक्शन कब होता है, जब डिमांड आपकी कम होती रहती है, मतलब सिकुड़ जाती है। तो ये किस कारण से होती है, जब आपकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ती रहती है। कहने का मतलब प्राइस यहाँ पे
बढ़ रही है, पहले 30 रुपीज थी, फिर वो 70 हो चुकी है, फिर 70 के बाद 100 हो चुकी है। कहने का मतलब 30 रुपीज पे आप 17 के डिमांड करते थे क्योंकि प्राइस सबसे कम था। जैसे ही प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई, 30 से 70 हो गई, आपने डिमांड को कम कर दिया, 10 कर दिया। जैसे ही प्राइस और ज्यादा बढ़ के 100 हो गई, आपने डिमांड को और ज्यादा कम कर दिया। तो उसी चीज को हम इस ग्राफ में अगर देखें तो आप सबसे पहले किस पॉइंट पे थे, आप 30 की प्राइस पे 17 की डिमांड करते थे और आप ए पॉइंट पे थे। जैसे ही आपने क्या किया, प्राइस को बढ़ा दिया, 30 से आप 70 पे चले गए, आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली बैक पीछे की तरफ आ गई, ठीक है। अब आपने प्राइस को फिर से बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड और पीछे चली। कहने का मतलब आप पहले ए पॉइंट पे थे, आप ए से बी पे चले गए और बी से आप सी पे चले। कहने का मतलब आप अपवर्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, खुद को अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब इसके क्या पॉइंट्स है, व्हेन डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ ओन गुड्स। राइज इन प्राइस मतलब प्राइस के बढ़ जाने पे, अपने ही प्रोडक्ट की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो डिमांड गिरने लगेगी, तभी तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, ठीक है। और अपवर्ड मूवमेंट है जो हमने देख लिया कि आप ए से बी, बी से सी, मतलब इस बार आप क्या कर रहे हैं, सी से बी पे जा रहे हैं और बी से फिर ए पे जा रहे हैं, करेक्ट। और उसके बाद चेंजिंग फैक्टर हमारा क्या है, प्राइस, प्राइसेस का चेंजिंग फैक्टर, और अदर सारे फैक्टर आपके क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो कहने का मतलब क्या हो गया, आप एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन की अगर बात करें, चेंजिंग फैक्टर प्राइस होता है और जितने भी अदर फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे आपके कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चेंज इन डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब देखिए, पहले वाले पे हम लोगों ने मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व पढ़ा था, जो कि हम मूव कर रहे थे उसी डिमांड कर्व पे जो पहले से दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिमांड कर्व पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगा, आगे पीछे कहीं पे भी शिफ्ट हो जाएगा, मतलब नई डिमांड कर्व बनेगी। कहने का मतलब शिफ्ट इन डिमांड का मतलब क्या है, न्यू डिमांड कर्व, नए नए डिमांड कर्व बनते रहेंगे भाई, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, क्लियर। अब आते हैं इसके टेबल पे। सबसे पहले अगर हम टेबल की तरफ ध्यान देते हैं तो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, प्राइस पहले भी 100 है, अभी भी 100 है और आगे भी 100 ही रहेगा, बट क्वांटिटी 5, 10, 15, मतलब क्वांटिटी ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और बढ़ने का कारण कोई भी फैक्टर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में अचानक से बहुत सारे कस्टमर जन्म ले चुके हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सडनली किसी चीज की डिमांड इतनी बढ़ गई, जैसे कोई मेडिसिन की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्राइस के कोई भी चेंजेस ना होने के बाद भी उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंक्रीज राइटवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज इन डिमांड या राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है कि आपकी डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट करेगी। देखिए, अगर मैं स्टेबल में फिर से बता रहा हूँ, प्राइस आपका कांस्टेंट है, फिर भी क्वांटिटी चेंज हो रही है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अब इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, जहां पे फर्स्ट पॉइंट पे ए पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 100 रुपए की कीमत में आप 5 की डिमांड करते थे, बी पॉइंट में भी आप 100 रुपए में 10 की डिमांड करते हैं और सी पॉइंट में भी 100 की प्राइस पे आप 15 की डिमांड करते हैं। इट मींस आप ए से बी, बी से सी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, डिमांड D1 से D2 पे शिफ्ट हो रहा है और D2 से D3। कहने का मतलब D1 शिफ्ट कर रहा है D2 से और D2 D3। कहने का मतलब डिमांड एक के बाद एक नए कर्व बनाता जा रहा है, शिफ्ट कर रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है, व्हेन डिमांड राइज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, मतलब अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हमने पहले पढ़े थे डिटरमिनेंट्स, उसकी वजह से यहां पे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या, लॉ ऑफ डिमांड डजंट वर्क, मतलब लॉ ऑफ डिमांड इसमें काम नहीं करता और प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट, प्राइस किसी भी तरह से चेंज नहीं होगा, मतलब ओन प्राइस चेंज नहीं होगा, अदर कारण से मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस या कंप्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस चेंज हो सकते हैं पर ओन गुड्स के नहीं हो सकते। और साथ ही साथ अदर फैक्टर्स अफेक्ट द डिमांड, मतलब जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सब मिलके डिमांड को चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो आपका चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर्व के सेकंड पॉइंट, डिक्रीज या लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूं। अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो हमारे पास सेम वही कंडीशन है, प्राइस हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी लेकिन क्वांटिटी जो है वो पहले ज्यादा थी, फिर कम हो गई, फिर और भी ज्यादा कम, मतलब पहले 15 की क्वांटिटी थी, फिर वो 10 हो गई, फिर वो डिक्रीज करके 5 हो गई। तो इस ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो इस डायग्राम के हिसाब से सबसे पहले आप सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे थे सी पे, फिर आप बी की तरफ शिफ्ट हो गए क्योंकि आपकी डिमांड कम हो गई, मतलब आप डी वन से
डी टू की तरफ आ गए और उसी तरह से आपकी फिर से डिमांड कम हो गई और आप 10 से 5 पे आ गए, मतलब डी थ्री पे आ गए। कहने का मतलब आप फिर से डी वन से डी टू पे और डी टू से डी थ्री पे शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बार ये लेफ्टवर्ड पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्या दर्शा रहा है कि आपकी डिमांड धीरे धीरे कम होती जा रही है, और ये भी अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन डिमांड फॉल ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, मतलब ऐसे फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आ रहे हैं डिमांड में जो पहले नहीं थे, या फिर आप कह सकते हैं कि प्राइस का इसमें कोई योगदान नहीं है। कैसे? सोचिए कि कंडीशन ऑफ वॉर हो गई, युद्ध का माहौल है, जैसे अफगानिस्तान में चल रहा है, तो युद्ध के माहौल के हिसाब से अगर हम देखें तो उस टाइम पे कोई ज्वेलरी नहीं खरीदने वाला, सब ब्रेड बटर खरीदेंगे, उनको अपना पेट भरना है, जिसकी वजह से डिमांड ज्वेलरी की धीरे धीरे कम होती रहेगी। ठीक है, फिर आता है लॉ ऑफ डिमांड डजंट वर्क, ये तो हम लोगों को पता ही है, क्योंकि जहां पे प्राइस काम नहीं करेगी वहां पे लॉ ऑफ डिमांड भी काम नहीं करेगा। और शिफ्ट लेफ्टवर्ड, ये पीछे की तरफ, लेफ्टवर्ड मतलब ये पीछे की तरफ शिफ्ट करता है, क्लियर, और प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट, प्राइस चेंज नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, डिक्रीज और इंक्रीज के कुछ फैक्टर्स जान लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम शिफ्ट इन डिमांड या चेंज इन डिमांड के कुछ कारण जान लेते हैं, क्या कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिसकी वजह से इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड होता है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज लेंगे, मेन सबसे मेन चार पॉइंट्स को ले लेते हैं। इनकम, इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर इनकम बढ़ जाती है, मतलब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, उसकी आय अगर बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और उसी जगह पे अगर इनकम गिर जाती है, फॉल हो जाती है, कम हो जाती है, तो डिक्रीज हो जाएगी और लेफ्टवर्ड पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, टेस्ट, अगर कंज्यूमर का टेस्ट अपने आप बेहतर होता रहता है, बेहतर इन द सेंस अगर कंज्यूमर का टेस्ट अपने प्रोडक्ट के लिए और ज्यादा डिमांडेबल हो जाता है, वो प्रोडक्ट को और ज्यादा अच्छा टेस्ट करने लगता है, तो फेवरेबल कंडीशन है, तो अपने आप डिमांड बढ़ जाएगी, और अनफेवरेबल होगा तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। जैसे होता है, बहुत बार आप किसी एक कंपनी के रेस्टोरेंट के प्रोडक्ट्स को खाते रहते हैं, जैसे मैकडोनल्ड का बर्गर अगर आपको बहुत पसंद है, तो फेवरेबल कंडीशन में आपके लिए वो डिमांड बढ़ा देगा, मतलब आपका टेस्ट आपकी डिमांड को बढ़ा देगा, लेकिन आप खाते खाते बर्गर खाते खाते बोर हो गए, तो ऑटोमेटिकली वो अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी और अपने आप आपकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते थे, जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी। तो यहाँ पे अगर टी की डिमांड की बात हो रही है, मतलब डिमांड किसकी हो रही है, डिमांड हो रही है टी की, और प्राइस किसका देखा जा रहा है, प्राइस देखा जा रहा है कॉफी का। ठीक है, अब इस कंडीशन की अगर मैं बात करूं, अगर सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट क्या है हमारे पास, कॉफी, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है तो कॉफी पीने वाले लोग भी टी की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि जो कॉफी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो खरीद नहीं पाएंगे, वो टी पिएंगे, चाय पिएंगे, तो इंक्रीज इन डिमांड हो जाएगा टी के लिए, चाय के लिए। और उसका विपरीत होगा, अगर कॉफी की कीमत कम हो जाती है तो टी पीने वाले कॉफी को ज्यादा डिमांड करेंगे और टी को छोड़ देंगे, तो डिक्रीज इन डिमांड ऑफ टी। क्लियर, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये कौन से गुड्स होते थे, ये वो गुड्स होते थे जो एक साथ इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड कार। तो अगर पेट्रोल की, अगर इस पॉइंट को मैं मिटा देता हूं, अब यहां पे देख लेते हैं, अगर पेट्रोल, डिमांड ऑफ पेट्रोल हो रहा है, सॉरी डिमांड ऑफ कार हो रहा है, और यहां पे प्राइस ऑफ पेट्रोल हो रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, एक साथ काम करते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूं कि पेट्रोल की प्राइस कम हो जाती है, फॉल इन प्राइस होता है, तो पेट्रोल वाले कार की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, तो मैं उसको ज्यादा खरीदने की कोशिश करूंगा ताकि लग्जरियस फील करूं। और अगर पेट्रोल की रेट बढ़ जाते हैं, मतलब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फॉल कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि तब आप पेट्रोल वाली कार नहीं खरीदोगे, क्योंकि पेट्रोल जैसे अभी महंगा होता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी कार की डिमांड भी कम होती रहेगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, मतलब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देख लेते हैं, तो हमें पूरा पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है और किस तरह से ये काम करते हैं। देखिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में ये मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व होता है, मतलब डिमांड कर्व में ही जो मूवमेंट होना होता है, ठीक है, उसी जगह पे चेंज इन डिमांड में शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है, तो डिमांड कर्व ही पूरा लेफ्ट टू राइट कहीं पे भी घूमता रहता है।
अगर यहाँ पे देखो तो चेंज विद इन द सेम कर्व, जो कर्व आपको दिया जाएगा उसी में मूवमेंट्स होंगे और यहाँ पे नए कर्व बनते रहेंगे, मतलब D1 से D2, D2 से D3 कोई भी चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा गया, प्राइस इज चेंजिंग फैक्टर, प्राइस की वजह से ही चेंजेस हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं प्राइस कम करूं या फिर प्राइस को बढ़ाऊं तो तब मेरे क्वांटिटीज में चेंजेस आते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइस क्या है, कॉन्स्टेंट है, जो कि 100 पहले से फाइनल किया गया है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट, किसी भी तरह का कोई भी फैक्टर काम नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे अदर फैक्टर्स ही काम कर रहे हैं शिफ्ट इन डिमांड में, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड काम करता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस से कम होने पे डिमांड बढ़ जाती है, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगा या फिर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगा, क्लियर। और उसी जगह पे यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता क्योंकि प्राइस तो चेंजिंग फैक्टर है, प्राइस तो कॉन्स्टेंट है, प्राइस अगर कॉन्स्टेंट रहेगी तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर पाएगा। तो अब आपकी अगर इन दो डायग्राम्स को देखेंगे बैक टू बैक, तो लॉ ऑफ डिमांड वाला मतलब जो आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या बता रहा है कि आपका मेन पॉइंट था ए, और ए से अगर आप सी की तरफ नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं, मतलब नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे, एक्सटेंशन, क्लियर, एक्सटेंशन या डाउनवर्ड। उसी जगह पे अगर आप ए से बी की तरफ शिफ्ट करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन या अपवर्ड। ये कौन सी कंडीशन होती है, ये वो कंडीशन होती है जब आपकी प्राइस मतलब एक्सटेंशन में आपकी प्राइस कम हो गई तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई, और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब आपकी पर्टिकुलर प्राइस बढ़ जाती है और आपकी डिमांड धीरे धीरे कम हो जाती है, क्लियर। इसका मतलब प्राइस बढ़ गई और इसका मतलब प्राइस कम हो गई, ठीक है। अब आते हैं अगर इस वाले डायग्राम पे आते हैं चेंज इन डिमांड पे, तो चेंज इन डिमांड पे प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, जो भी चेंज हो रहा है वो आपका डिमांड कर्व खुद चेंज कर रहा है क्योंकि क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अगर यहाँ पे हम देखें तो मेन आपका D1 आपका मेन जो डिमांड कर्व था, और अगर फेवरेबल कंडीशंस हो जाते हैं तो D2 पे ये क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा या फिर हम इसको क्या कहते हैं, राइटवर्ड मूवमेंट, ठीक है। और इसी जगह पे यहां पे क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा, क्लियर। तो ये वाली कंडीशन कहने का मतलब शिफ्ट इन डिमांड क्या होता है, या तो वो इंक्रीज करेगा या फिर वो डिक्रीज करेगा, क्लियर। और उसी जगह पे मूवमेंट वाले में क्या हो जाएगा, या तो वो एक्सटेंशन होगा या फिर वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। आप ये जो हमने डिफरेंसेस निकाले हैं, ये डिफरेंसेस डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड है, तो आप इसको चाहे तो पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान में रखना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब ही है कि वो लॉ ऑफ डिमांड में काम करेगा। तो जैसे ये वर्ड आपको पता चलता है ना, क्वांटिटी डिमांडेड, इट मींस कि यहां पे प्राइस इज द चेंजिंग फैक्टर एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, क्लियर। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से या प्रीवियस किसी टॉपिक से या कोई फर्दर आपको कोई फ्यूचर टॉपिक से भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक जोड़िए ताकि हमारी कम्युनिटी ग्रुप और ज्यादा स्ट्रांग हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अच्छे से कमेंट कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। तो आज के लिए अलविदा, फिर जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।